जय हिंद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गया कुछ आपके बचपन के ऐसे गेम जो आपको फील करा देंगे नॉस्टैल्जिया। अरे गलती से गलत नॉस्टैल्जिया प्ले कर दिया। और हाँ, मैंने किसी भी गेम को रैंक नहीं किया है क्योंकि इन गेम के हमारे दिल में कोई अलग ही जगह है और इसलिए मैंने इन सभी गेम को रैंडमली लिस्ट किया है। अब इस गेम के बारे में तो हर किसी को पता ही है, ये गेम हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी खेला ही है। पता है मैं इस गेम में क्या करता था? मारियो का सर फोड़ता बैठता था, वो भी विदाउट एनी रीज़न। अब इस गेम में होता क्या है, जो मारियो है वो मशरूम किंगडम में आता है जिसे प्रिंसेस टोडस्टूल रूल कर रही होती है। टोडस्टूल ऐसा भी कोई नाम होता है भला? एनीवेज, एक दिन किंग बाउज़र कूपा, यार कैसे कैसे नाम है इसमें, वो उसके आर्मी के साथ मशरूम किंगडम को रेड कर देता है और प्रिंसेस को किडनैप करके लेके जाता है। तो हमें करना क्या होता है, हमें तो मारियो खेलते हैं और हमें प्रिंसेस को सेव करना होता है। कॉल ऑफ ड्यूटी एक एक्शन एडवेंचर फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम जो कि जाना जाता है अपने कैंपेन मोड और स्टोरी लाइन के लिए, और ये गेम हमेशा से बैटलफील्ड से कम्पीट करता है। लेकिन खैर, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, हम अभी बात कर रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी 1, 2 और 3 के। भले ही कॉल ऑफ ड्यूटी के गेम अभी कितने भी अच्छे हो गए हों उनके ग्राफिक्स और फिजिक्स में, लेकिन इन कुछ गेमों की बात ही अलग है। हाउस ऑफ द डेड एक फर्स्ट पर्सन जॉम्बी शूटिंग अर्केड गेम जिसमें हम एस थॉमस रोगन एंड जी प्ले कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, दिस वॉज द फर्स्ट एवर जॉम्बी शूटिंग गेम आई प्लेड। बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी इस गेम से, लेकिन मैं कभी भी इस गेम के फाइनल बॉस को हरा नहीं पाया क्योंकि मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला था। एनीवेज, तो होता क्या है, रॉय क्यूरियन नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो अपने टीम के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, लेकिन उसका बिहेवियर एकदम से कुछ संकीसा हो जाता है और वो प्रोजेक्ट में एक गड़बड़ कर देता है जिसकी वजह से जिस जगह पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ एक जॉम्बी आउटब्रेक ऑकर हो जाता है। सोफी नाम की एक कैरेक्टर होती है जो गेम में हमारी फियांसी होती है और उसी टीम की एक मेंबर होती है। वो हमें कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताती है और हम हमारे पार्टनर जी के साथ उसे बचाने चले जाते हैं। तो इस गेम के टोटल 3 एंडिंग है। एक एंडिंग में सोफी जॉम्बी बन जाती है, दूसरे में वो जिंदा बच जाती है और तीसरे में हमें मालूम नहीं पड़ता कि उसका क्या हुआ। प्रोजेक्ट आईजी है, ये तो मेरा सबसे फेवरेट और सबसे पहला फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तूने हाउस ऑफ द डेड के लिए भी सेम चीज़ कही थी, लेकिन सुन लो, हाउस ऑफ द डेड मेरा पहला जॉम्बी किलिंग गेम था लेकिन ये मेरा पहला फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम। एनीवेज, तो ये भी एक फर्स्ट पर्सन एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम है। एनीवेज, तो हम इस गेम में एस डेविड जोन्स खेलते हैं जो अन्य के मदद से जैक प्रीबोई के बेस को इन्फिल्ट्रेट करता है उसे पकड़ने के लिए और उससे वॉरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो हम प्रीबॉय को पकड़ लेते हैं और हेलीकॉप्टर में उसे ले जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में ले जाते हुए इक नाम की एक कैरेक्टर हेलीकॉप्टर को शूट कर देती है और हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है। हम हेलीकॉप्टर से गिर के बेहोश पड़ जाते हैं और जब हम बेहोश रहते हैं कुछ रशियंस आते हैं और हमारे और प्रीबॉय के इक्विपमेंट के साथ साथ प्रीबॉय को भी लेके जाते हैं। हम कैसे तैसे अपने इक्विपमेंट फिर से अक्वायर कर लेते हैं और जिस ट्रेन में प्रीबॉय रहता है उस ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। उसके बाद में हमें ईक का पता चलता है और हम उसे पकड़ने चले जाते हैं। पहली बार तो वो हमसे बच जाती है लेकिन दूसरी बार हम उसे मार डालते हैं। रोड रश, ये तो हर 90s की किड ने खेला ही है। ये एक मोटरसाइकिल रेसिंग गेम है EA का जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं कुछ वायलेंट इलीगल स्ट्रीट रेसेस में। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट एवर रेसिंग गेम था। हिटमैन, जिसमें हम खेलते हैं सबसे जॉनी। एनीवेज, तो इसमें हम खेलते हैं एज एजेंट 47 जो एक साइलेंट असैसिन है और ये बस एक किलिंग मशीन है जिसको तुम रोकड़ा देकर किसी को भी टपका सकते हो। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन सारे हिटमैन गेम्स की जो 2006 से पहले रिलीज हुए थे। प्रिंस ऑफ पर्सिया, इसके बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन अगर मैं इसकी स्टोरी बताना चालू कर दिया तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे मैंने प्रिंस ऑफ पर्सिया के फैक्ट्स पे एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो ज़रूर जाके चेकआउट करना। और फाइनली अब आया है GTA। ये गेम तो सभी का फेवरेट है
इसे सब खेल चुके हैं, इसकी स्टोरी से सब रूबरू है, सभी को इसके सारे चिट मालूम है, सभी लोग इसके कैरेक्टर से कनेक्टेड है, इसीलिए ये गेम एक लेजेंड है। क्या वो उसकी स्टोरी, क्या वो उसका प्रेजेंटेशन, क्या वो उसके डायलॉग, क्या वो सारे हार्ड मिशन जिसे करने के लिए घंटे घंटे खेलते बैठना पड़ता था, लेकिन इन द एंड इट वॉज ऑल वर्थ इट। मैं तो इस गेम को कभी नहीं भूल सकता और आई डोंट थिंक सो कि और कोई भूल भी पाएगा। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, भले ही GTA के प्रोटैगनिस्ट कितने भी पावरफुल हो, उनके पास कितना भी पैसा हो, वो कितने भी रेकलेस हो, क्लॉड कभी बोल नहीं सकता और टॉमी कभी तैर नहीं सकता। क्या